हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों बहुत दिन से वीवो के तरफ से एक नए फ्लैगशिप सीरीज का बात हो रहा है जिसका नाम है वीवो X60 सीरीज। इससे पहले वीवो अपने तरफ से जो X50 सीरीज को लॉन्च किया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था जो फ़ोन था, उसके अंदर बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिला था वीवो के तरफ से। और उम्मीद कर रहे कि ये जो X60 सीरीज है, जहाँ पे S60, X60 Pro एंड X60 Pro Plus तीन मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी नए चीज़ देखने को मिलेगा। एंड जो हो सकता है कि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी फ्रीक या जो स्मार्टफोन फ्रीक है उसके लिए एक सही चॉइस बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करते हैं कि ये जो X60 सीरीज का तीन मॉडल है उसके अंदर आप लोगों को कैमरा मॉड्यूल पे क्या क्या नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे कैमरा मॉड्यूल के बारे में काफ़ी सारे जो जानकारी है वो हम लोगों के पास आके पहुँचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस X60 सीरीज का कुछ कैमरा मॉड्यूल का जो डिटेल्स है वो शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो दोस्तों, 28th ऑफ दिसंबर को ये X60 सीरीज को डेब्यू करने का बात चल रहा है। और अभी के टाइम पे डिजिटल चैट स्टेशन के ट्विटर हैंडल से कुछ जानकारी हम लोगों को पता चला है, और इसके चलते हम लोगों को पता चलता है कि ये जो X60 सीरीज है इसके अंदर आप लोगों को जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को लग सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल के अंदर क्या नया चीज़ है। 48 मेगापिक्सल तो बहुत सारे कैमरा के अंदर मिलता है, बट वीवो X50 सीरीज पे हम लोग जो देखे थे या X60 सीरीज पे हम लोग जो देखने वाले हैं, काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया है वीवो अपने इनसे। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लेंस का, तो आप लोग यहाँ पे कल जेस का लेंस देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को अगर याद है कि पिछले टाइम पे नोकिया अपने फ़ोन पे कल जेस का लेंस यूज़ करता था, और वो जो टाइम था या वो जो लेंस था उस लेंस का पिक्चर क्वालिटी बोलो या जो प्रोडक्शन क्वालिटी है पिक्चर का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले X60 का, तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है विथ f1.6 एपर्चर। उसके साथ 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट शूटर देखने को मिल रहा है। तो कैमरा जो है काफ़ी टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बिकॉज 48 + 13 + 13 तो ऑब्वियसली इमेज प्रोसेसिंग जो होगा या एंड प्रोडक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैमरा या वीडियो के अंदर वो काफ़ी स्मूथ एंड क्रिस्प देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात है कि ये जो कैमरा होगा इसके अंदर आप लोगों को स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगा, गिम्बल मैकेनिज्म देखने को मिलने का चांस है। अब X60 सीरीज के X60 मॉडल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं, इस पे बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट X60 Pro Plus पे आप लोगों को गिम्बल मैकेनिज्म देखने को मिलने का चांस है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं X60 Pro के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक मॉड्यूल विथ 5x का ऑप्टिकल जूम एंड आप टू 60x का ऑप्टिकल जूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखो, एक चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो 5x का ऑप्टिकल जूम है ये ठीक ठाक है। 60x ऑप्टिकल जूम तक अगर आप जाते हो, अगर आपका कैमरा स्टेबिलाइजेशन ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जूम जो है आपको सही सही मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे आप लोगों को शेकीनेस या उसके साथ आप लोगों को एक ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट मेरे को जितना दूर तक लगता है, जितना दूर तक हम लोग X50 सीरीज के फ़ोन के जो जूम वगैरह था ऑप्टिकल एक्स जूम का उसके हम बात करते हैं, उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो आई होप कि ये जो X60 सीरीज है इसके अंदर ये जूम जो है ऑप्टिकल एक्स जूम जो है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाएगा। एंड अगर X50 सीरीज पे कुछ ब्लरनेस था या जो हेजीनेस आता था उसको कहीं हद तक रिड्यूस करने का कोशिश किया जाएगा, एंड आई होप के वीवो इसको सही से कर पाएगा। इवन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रो के अंदर आप लोगों को f1.48 एपर्चर के साथ एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे वीवो का सेकेंड जनरेशन गिम्बल मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है जो स्टेबिलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, एंड कार्ल जेइस का लेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि X60 पे होगा कि नहीं श्योरिटी नहीं है, बट X60 Pro पे आप लोगों को सेकेंड जनरेशन गिम्बल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। मतलब जो X50 पे हम लोग देखे थे गिम्बल मैकेनिज्म था उसको भी इम्प्रूव करके सेकेंड जनरेशन गिम्बल मैकेनिज्म X60 Pro पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ऑन द गो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है या वीडियो का जो स्टेबिलाइजेशन है, जो क्वालिटी है, वो आप लोगों को टॉप नॉच मिलने वाला है। बिकॉज हम लोगों को पता है कि गिम्बल जो है वो अपने इनसे सेट करके वीडियो को जो शेकीनेस होता है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। इवन दोस्तों उसके साथ अगर हम बात करते हैं X50 Pro Plus के अंदर आप लोगों को एक एल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, जो एक नया टाइप का चीज़ है, हो सकता है कुछ नया देखने को मिल जाए। इवन दोस्तों उसके साथ यहाँ पे कौन सा सेंसर रहेगा X50 Pro Plus के अंदर, वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। इवन दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा वगैरह का, तो X60 एंड X60 Pro या X60 Pro Plus पे कौन सा फ्रंट कैमरा, मतलब कितने मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, ये अभी तक क्लियर आउट नहीं किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं X60 सीरीज़ के, इसी X60 एंड X60 Pro के प्रोसेसर वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा Exynos का 1080 का प्रोसेसर। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं X60 Pro Plus का, तो वहाँ पे आप लोगों को Snapdragon का लेटेस्ट प्रोसेसर जो है Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो जो परफॉर्मेंस है, जो कैमरा क्वालिटी है, वो काफ़ी सही मिलने वाला है। एंड अगर परफॉर्मेंस सही मिल जाए, कैमरा सही मिले, तो ऑब्वियसली कंपनी प्रोवाइड करेगा एक टॉप नॉच जो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा होगा, उसका जो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन होगा या उसका जो नीट्स ब्राइटनेस होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा, उसको भी काफ़ी हद तक ध्यान पे रखा जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। अब देखते हैं कि जब इसका डिटेल्स आएगा स्क्रीन वगैरह का, तब हम लोग देख लेंगे। एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं स्क्रीन के जो रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पे आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखो दोस्तों, ये फ़ोन जो है, अगर आपको फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करना है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्पेसिफिकेशन के साथ, तो मेरे हिसाब से ये जो X60 सीरीज़ है आप लोग के लिए एक सही चॉइस बन सकता है। इवन दोस्तों उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, एंड वीवो का न्यू ओरिजिन वेज भी आप लोग को इस X60 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफी सारे डिटेल्स शायद आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल गया है X60 सीरीज के बारे में। अब आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो एंड मेरे को हेल्प करो थोड़ा आगे बढ़ने में, लोगों को बताओ। और आप लोगों का कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंग कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे एंड मेरे इनसे जितना होगा मैं आप लोगों को उतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।